हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण तिवारी निर्णय अकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं और ऑनलाइन में सीटेट सुपर टेट टेट और अन्य विभिन्न जो एक दिवसीय परीक्षाएं हैं उसकी हम लोग घर बैठे ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं। और सीटेट की तैयारी के क्रम में हम लोग यहाँ पे आज देख रहे हैं पर्यावरण शिक्षण की विधियाँ, यानी पर्यावरण शिक्षण के पहले हम लोगों ने पर्यावरण शिक्षण सूत्र क्या होते हैं, पर्यावरण के नीति क्या है, पर्यावरण का जो आपका शिक्षण का जो डेवलपमेंट है, विकास क्रम है, वो सारे वीडियो हम लोग देख चुके होंगे आप और उसको आप तैयार भी कर चुके होंगे। आज यहाँ पर ये देखना है हमें कि पर्यावरण जो विषय वस्तु है उसको पढ़ाया कैसे जाए बच्चे को, यानी पर्यावरण विषय वस्तु को पढ़ाने के क्या तरीके हैं, उसके संबंध में कैसे कौन सी मेथड का प्रयोग किया जाए, कौन से विधि का प्रयोग किया जाए, उसे हम लोग देखेंगे जो महत्वपूर्ण विधि है। ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण शिक्षण के लिए, पर्यावरण विषय वस्तु को बालक को पढ़ाने के लिए सबसे जो सरल विधि मानी जाती है वह है कहानी विधि। आप पूरा का पूरा कक्षा 3 की एनसीईआरटी देखिए, कक्षा 4 की एनसीईआरटी देखिए, कक्षा 5 की एनसीईआरटी देखिए, उसमें विषय वस्तु को कहानी के रूप में, कविता के रूप में, पहेली के रूप में दिया गया। यानी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहानी का मतलब कविता भी इंक्लूड है, इसमें आपका पहेली भी इंक्लूड है। पूरे के पूरे विषय वस्तु को बहुत आसानी से पढ़ाने का जो सबसे सरल तरीका होता है बालक को, वह कौन सा होता है? कहानी विधि होता है। ध्यान दीजिएगा, कहानी विधि के माध्यम से क्या हो सकता है, हम शिक्षार्थी को किसी भी विषय वस्तु को या किसी भी ज्ञान को बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से बालक को पढ़ाया जा सकता है। यानी कहानी विधि में क्या होता है, ऐसा कोई सब्जेक्ट जो बहुत नीरस है, जो क्या हो, बहुत अधिक नीरस हो, उबाऊ हो, उस विषय वस्तु को भी हम क्या कर सकते हैं, रोचकता के साथ पढ़ा सकते हैं। किस मेथड के माध्यम से? कहानी विधि के माध्यम से। यानी किसी भी विषय वस्तु को एक कहानी बनाया जाए और कहानी के माध्यम से, ध्यान दीजिएगा, हमें पढ़ाना किस बालक को है, कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 के बालक को। और पढ़ाना किसको है और पढ़ाना क्या है, तो क्या पढ़ाना है, परिवार मित्र पढ़ाना है। हमें क्या पढ़ाना है, आवास पढ़ाना है, हमें भोजन पढ़ाना है, हमें जल पढ़ाना है, यात्रा पढ़ाना है, वस्तुएं कैसे बनती हैं, ये जो 6 टॉपिक हैं, 6 जो विषय वस्तु हैं, इसी को पढ़ाया कैसे जाए, तो क्या किया जाए, कहानी विधि के माध्यम से। यानी यात्रा के, जल के, भोजन का जो टॉपिक है नीरस और उबाऊ है, लेकिन यदि इसमें कहानी बना दिया जाए तो इसमें रोचकता आ सकती है। यानी कहानी क्या कर सकता है, उस विषय वस्तु को रोचकता के साथ जो छोटा बालक है उस बालक को भी आसानी से समझा, विषय वस्तु को समझाया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, कहानियां जो होती हैं इसमें विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के अपने अनुभव भी शामिल होते हैं, यानी इसमें अनुभवों को भी हम बीच बीच में शामिल कर सकते हैं। यानी जो कहानी होगा इसमें व्यक्तिगत यानी अनुभव भी, इसमें अनुभव भी शामिल होते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहानी विधि और क्या करता है बच्चों को, यानी इसमें संदर्भगत अनुभव भी प्रदान करता है। क्या करता है यह जो कहानी है, ये बच्चों को सिखाने के लिए संदर्भगत अनुभव भी हमें या संदर्भगत वातावरण प्रदान करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमें पढ़ाना है किसके बारे में, झूम खेती के बारे में, तो झूम खेती पूर्वोत्तर राज्य की हमने क्या किया, मिजोरम राज्य के बारे में एक स्टोरी ले लिया कि मिजोरम राज्य के बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अब वो लोग क्या करेंगे, अब आज वहां पर क्या हो रहा है, जमीनों का वितरण होगा। झूम खेती में क्या किया जाता है, तो झूम खेती के अंतर्गत
क्या होगा, पहले जंगलों को जलाया जाता है और जो भूमि खाली होती है उसी में समुदाय के मध्य में उस भूमि का वितरण किया जाता है, और जो भूमि का वितरण होगा उस समुदाय के लोग आपस में खेती करते हैं। तो खेती करने के क्या तरीके, हमने झूम खेती के अंतर्गत काफ़ी डिटेल में आपको समझाया है। अब मिजोरम राज्य के बारे में, झूम खेती के बारे में, वहाँ के नृत्य के बारे में, अर्थात तो वह टॉपिक तो हमारा रहेगा झूम खेती, लेकिन इसके इर्द गिर्द में और भी चीज़ें शामिल हो जाती हैं, अर्थात उसका क्या करता है, ये संदर्भगत वातावरण प्रदान करता है। कौन सा, कहानी विधि। ध्यान दीजिएगा, जो कहानी विधि है यह बालक में और क्या करता है, यह कहानी बालक में सृजनात्मकता का विकास करता है, सृजनात्मकता का विकास करता है। यह बालक में क्या करता है, कल्पना, कल्पना परक बनाता है बालक को, बालक में सृजनात्मकता का विकास होता है, बालक में सौंदर्य बोध का निर्माण होता है, सौंदर्य बोध। यानी जो बालक है सृजनात्मकता का विकास कैसे, यानी यदि कोई कहानी आप बालक को बताते हैं तो उससे बालक में कुछ क्रिएटिव कार्य करने की का हो, क्या होता है, विकास होता है। क्रिएटिव कार्य का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कोई विषय वस्तु हमने बालक को पढ़ाना चाह रहे हैं, अब बालक ये देख रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर बछेंद्री पाल चढ़ सकती हैं, तो क्या मैं नहीं चढ़ सकता हूँ, ये बालक में चिंतन होगा, कुछ क्रिएटिव कार्य करने का विचार हो सकता है। यानी बछेंद्री पाल 12 वर्ष की उम्र में कहाँ पर चढ़ जाती हैं, केवल 12 वर्ष की उम्र में, यानी सारे बच्चे पिकनिक मनाने जाते हैं उस दौरान वो 4000 मीटर की ऊंचाई पर बाल काल में ही वो चढ़ जाती हैं, तो बालक में भी तो सृजनात्मक, ये मैं भी तो कर सकता हूँ, उस बालक में भी यानी कल्पना परकता का विकास होता है, प्रकृति के सौंदर्य बोध का भी बालक में निर्माण होता है, क्योंकि प्रकृति की चीज़ों को बता रहे हो आप, तो यानी प्रकृति की सौंदर्य बोध का भी बालक में निर्माण होता है। देखेंगे इसके साथ में कहानी जो विधि है वह बालक में क्या करता है, रुचि और जिज्ञासा का भी निर्माण करता है, रुचि और जिज्ञासा का निर्माण किसके माध्यम से होता है, कहानी विधि के माध्यम से। यानी जो विषय वस्तु, क्योंकि हम जो विषय वस्तु है वह बालक रुचिकर तरीके से पढ़ रहा है, अब उसके आगे क्या होता, आपने बचपन में देखा होगा दादी माँ कोई कहानी सुनाती थी और लास्ट में वो क्या करती थी, कहानी एक ऐसे एन मौके पर ब्रेक कर देती थी कि उसको कल सुनाएंगे। अब बच्चा अगले दिन जैसे शाम होता था अब उसकी कहानी को सुनने का कि उसके आगे क्या हुआ, उसके आगे क्या हुआ, यानी बालक में रुचि भी है उस विषय वस्तु को समझने का और उसके आगे फिर क्या हुआ, अर्थात तो उसकी जिज्ञासा भी बना हुआ है। ध्यान दीजिएगा, कहानी विधि मनोरंजन, यानी कहानी जो विधि है वह ज्ञान प्राप्ति के लिए कैसा साधन है, तो ज्ञान तो प्राप्ति करेगा ही, कब देगा ही देगा, लेकिन इसके साथ में क्या होगा, मनोरंजन के साथ ज्ञान की प्राप्ति, यानी बालक में मनोरंजन भी है, मनोरंजन के साथ वो क्या करता है, ज्ञान की प्राप्ति प्राप्त करता है। ध्यान दीजिएगा, ये हमने कहानी विधि के क्या फायदे हो सकते हैं यदि किसी भी विषय वस्तु को हम कहानी विधि के माध्यम से पढ़ाते हैं। एक्चुअल में माना यह जाता है कि जो पर्यावरण है यह पर्यावरण बहुत आसान विषय नहीं है, रोचक विषय नहीं है, इसीलिए क्या किया जाना चाहिए, कहानी विधि का बालक को अधिक से अधिक प्रयोग करिए, उसमें बालक क्या होगा, रुचिकर तरीके से विषय वस्तु को पढ़ेगा, उसे मनोरंजन के साथ पढ़ेगा, उसमें रोचकता के साथ पढ़ेगा, उसमें सृजनात्मक क्षमता एवं कल्पनापरकता का भी विकास होगा। ये तो देखें हमने एक टॉपिक अभी किया कहानी विधि के बाद एक दूसरा हम लोग विधि पढ़ेंगे और वह विधि है भ्रमण विधि। भ्रमण विधि, भ्रमण विधि में क्या किया जाएगा समझने का प्रयास करेंगे, यानी पर्यावरण विषय वस्तु को जो पढ़ाना है आपको, सपोज करिए बालक को ज्ञान देना है खाद्य श्रृंखला के बारे में, वन संरक्षण के बारे में, आपको वन्य जीवों के बारे में देना है, विभिन्न प्रकार के पौधों के संरक्षण के बारे में बालक को जानकारी देना है, तो क्या किया जाना चाहिए, बालक को भ्रमण कराइए, बालक को चिड़ियाघर ले जाइए, तो वहाँ पर चिड़ियाघर जाकर के क्या देखेगा, वो विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों को देखेगा, वो
बॉटनिकल गार्डन में ले जाइए तो गार्डन ले जाएंगे तो विभिन्न प्रकार के पौधों को देखेगा, तालाब के किनारे नदी के किनारे ले जाइए तो खाद्य श्रृंखला को देखेगा। अर्थात भ्रमण विधि के माध्यम से बहुत आसानी से यह विधि भी यानी कहानी विधि के बाद जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है वह कौन सी विधि का, भ्रमण विधि का। यानी बालक भ्रमण करके, ध्यान दीजिएगा यहाँ बालक को जो भ्रमण कराने का उद्देश्य है वह घुमाना नहीं है, भ्रमण के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति देना है बालक को। यानी भ्रमण की प्राप्ति के माध्यम से, भ्रमण करा करके यानी भ्रमण के माध्यम से क्या देना है, ज्ञान अर्जित करना है, ज्ञान देना है। एक्चुअल में जो भ्रमण विधि है यह कक्षा कक्षी अधिगम को वास्तविक अधिगम से, वास्तविक शिक्षण से ये जोड़ने का काम करता है। समझने का प्रयास करिएगा, कक्षा कक्षी अधिगम को क्या करता है, ये वास्तविक अधिगम से, वास्तविक शिक्षण से जोड़ने का प्रयास करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने आज बालक को बताया कि वर्षा जिन क्षेत्रों में ज़्यादा होता है उन क्षेत्रों में घर कैसे पाए जाते हैं। तो अगर वर्षा वाले क्षेत्रों में घर कैसे पाए जाते हैं तो वेस्ट ये रहेगा कि जो हमने कक्षा में पढ़ाया उसको क्या किया जाए, बालक को असम ले जा करके, मिजोरम ले जा करके, मेघालय में ले जा करके क्या किया जाए, उसको वास्तविक रूप से दिखा दिया जाए कि देखिए जो आपके वर्षा आधारित क्षेत्र होंगे वहाँ पर लकड़ी के घर बनते हैं। हमें क्या करना होगा, हमें कक्षा कक्षी अधिगम के अंतर्गत शेर के बारे में बताया, चीता के बारे में बताया बालक को, हमने क्या विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों के क्या महत्व इसके बारे में कक्षा में बताया, लेकिन उसको वास्तविक जीवन से बालक को कैसे जोड़ पाओगे आप, यदि आप भ्रमण करा दो, चिड़ियाघर ले जाइए, आसानी से क्या कर सकते हैं, आप उसका बता सकते हैं। तीसरा समझिएगा इसके माध्यम से क्या हो सकता है कि जो आपका भ्रमण विधि है इसमें बालक क्या होगा, प्रत्यक्ष अधिगम अनुभव प्राप्त करता है। बालक क्या करेगा, यानी प्रत्यक्ष या सक्रिय अधिगम प्राप्त करता है, सक्रिय अधिगम अनुभव प्राप्त करता है, प्रत्यक्ष या सक्रिय अधिगम अनुभव। यानी जो प्रत्यक्ष देख करके, सक्रिय मतलब वहां जा करके, जो प्रत्यक्ष या सक्रिय अधिगम अनुभव है यह करता क्या है, यह बालक की ज्ञान रचना का आधार होता है। जो बालक देखता है, बालक देख क्या रहा है, पापा ये काम करते हैं तो वो भी वैसा ही करना चाहता है। यानी इस घर में सारे जो उसके साथी हैं, जो उसके घर के परिवार के अन्य जो भाई लोग हैं वो लोग पढ़ रहे हैं तो बालक भी पढ़ेगा। सारे उसके जो और साथी हैं और जो उसके लोग हैं वह लोग क्या घूम रहे हैं तो वो भी घूमेगा। तो यहाँ पे बालक को जो प्रत्यक्ष सक्रिय अधिगम अनुभव दिया जाए वह बालक की ज्ञान रचना का आधार बनता है। क्या करेगा, ज्ञान रचना का आधार। तीसरा चीज रखिएगा कि अगर बालक को ज्ञान देना है तो कैसे दिया जाए, बालक क्या करे, पहले तो अवलोकन करे, जो भी भ्रमण विधि में हम ले जा रहे हैं बालक को वह अवलोकन करे। अवलोकन करने के बाद क्या करे, वह उस पर कमेंट करे यानी टिप्पणी दर्ज करे और फिर क्या करे उस पर, वह उस मुद्दे पर जिसको उसने देखा, जिसके संबंध में उसने नोट किया अपने नोटबुक में, अब उसके संबंध में क्या करे बालक, तो अपने दोस्तों के बीच में, सहपाठी के बीच में और शिक्षक के बीच में आपस में चर्चा करे। यानी अगर वो कहीं पर चिड़ियाघर जा रहा है, तालाब जा रहा है, समुन्द्र जा रहा है, किसी भी प्राकृतिक स्थान पे वो अगर जा रहा है तो करे क्या, वो सबसे पहला काम है अवलोकन करना, देखना, उसके संबंध में अपने नोटबुक में उसके संबंध में जानकारी को इकट्ठा करे। जानकारी इकट्ठा करने के बाद क्या होगा, वह सहपाठी और शिक्षक के
शिक्षक में आपस में डिबेट करे उस बिंदु पर, जिससे क्या हो वह विषय वस्तु उसका तैयार हो सके। अब मान लीजिए कभी आप भ्रमण पर ले जा रहे हैं बालक को, भ्रमण पर अगर ले जा रहे हैं तो क्या करेंगे आप? जैसे सपोज करिए आप चिड़ियाघर में बालक को ले जा रहे हैं, आप बालक को किसी जंगली जंगल में ले जा रहे हैं, बॉटनिकल गार्डन में ले जा रहे हैं, तो क्या किया जाए कि जिससे वह विषय वस्तु को आसानी से समझ पाए? सबसे पहले बात तो ये हो कि यानी जहाँ पे ले जाया जा रहा है टूर, जहाँ आपका जा रहा है टूर, जाने का यहाँ उद्देश्य भ्रमण करा करके बालक को ज्ञान देना है, तो क्या किया जाए? पहले तो जब चिड़ियाघर ले जाइए तो सबसे पहले उस विषय वस्तु के बारे में चर्चा हो पूरे कक्षा में कि हम लोग इतने दिन इतने चलेंगे। और क्या होगा, चर्चा हो जाने के बाद बालक को उस विषय वस्तु को के संबंध में क्या क्या अपने साथ में ले जाना है। तो पहला काम तो जो ले जाना है वह क्या ले जाएगा, बस्ता ले जाए अपने साथ में। बस्ता ले जाए कि नहीं ले जाए, तो बस्ता अपने साथ में नहीं, बैग नहीं लेके जाना है, तो ले क्या जाए, केवल टिफिन और कुछ नोटबुक और पेन, केवल इतना अपने साथ में रखेगा। दूसरा चीज है, तीसरा समझिएगा ये कि जो अपने साथ में और वह क्या ले जाएगा, तो अपने साथ में वो एक नोटबुक साथ में रखा, कुछ बच्चे ड्राइंग कॉपी भी साथ में रख सकते, पेन रखेंगे, इसके साथ में वो अपने साथ टिफिन बॉक्स रख सकता है। लेकिन ध्यान एकदम ये देना है कि कोई भी बच्चा अगर चिड़ियाघर जा रहा है तो अपने साथ में किसी भी वन्य जीव के लिए खाद्य सामग्री नहीं लेके जाएगा। किसी भी वन्य, बंदर के लिए मूंगफली खरीद लिया, कोई शेर देख, शेर आपने सुना कि वहां तो शेर भी है, आपने उसके लिए मांस रख लिया बैग में, नहीं ले जाना है क्योंकि उससे नुकसान हो सकता है। फिर उसके बाद क्या करे, बालक अपनी कॉपी पर अवलोकन करेगा, नोटबुक दर्ज कर, नोटबुक में उसके संबंध में टिप्पणी रखेगा, चर्चा करेगा। अब वहां से आने के बाद सहपाठी और शिक्षक के बीच में उस पर चर्चा भी होगी। तो ध्यान देखें, ये दो विधियां हम लोगों का तैयार हो गया है, ये दोनों विधियां अति महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अभिन्यास विधि, और कौन सी विधि, अभिन्यास विधि और प्रश्नोत्तर विधि, ये हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।